सबको पेड़ रुपीज 20 सर और अब Therefore, 15 is the
charge and rupees 3 is the per day charge. तीन दिन बीच जाने के बाद फिर हर दिन का आपको 3-3 रुपए के हिसाब से देना, ठीक है? और बताइए जी, और कौन सा है? बताओ भाई, पहले तो बताओ, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम ढूंढ रहे हो क्या? कौन सा अल्फामीटर पॉलिनोमियल में? अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन नोट करिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का करवाऊंगा और एक करवाता हूँ इसी तरीके का क्वाड्रेटिक का, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का। एक क्वेश्चन है, अ बोट गोज 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम, नहीं कहीं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपके देखना कि लीनियर में आपको दो कंडीशन दे रखी है और क्वाड्रेटिक में एक ही कंडीशन होगी, मतलब उसमें ही दो। चलो रुको, अभी मैं बताता हूँ, रुको। एक अननोन से ही बात बनेगी क्वाड्रेटिक में, यहाँ पर दो अननोन दे रखे हैं। अभी देख लो, अ बोट गोज 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 28 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, अ बोट गोज 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड
फुल स्टॉप, इट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 21 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम. It goes 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 21 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 6.5 आवर्स. Find the speed of the boat in still water and also the speed of the stream. ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुए, मैं एक कंपनी में नौकरी करता था और वहाँ पर मेरा बैग था, हर एम्प्लॉई को एक बैग मिलता था कंपनी की तरफ से. तो मेरा बैग था, मैं बाइक पर जाता था, वो मेरा बैग ख़राब हो गया. मतलब उसका जो वो था ऊपर का जो वो स्ट्रैप था, वो स्ट्रैप में से थोड़ा सा धागा निकलने लगा. तो वो ना स्ट्रैप उसका जैसे ये है, ये थोड़ा ढीला होने लगा. तो मुझे लगता था कि वो बाइक पर मैं उसको रखता था वो लटकता सा रहता था, ऐसे ठीक सा था नहीं. तो मैं वहाँ पर नोएडा में नया था, मुझे कुछ पता नहीं था आसपास. तो एक डिपार्टमेंट होता है हर कंपनी में, HR, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड एडमिन. ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब ये है कि जो भी एम्प्लॉयज़ हैं एम्प्लॉयज़ का वो ध्यान रखेंगे कोई भी प्रॉब्लम होगी तो. तो मैं गया उनके पास, मैंने कहा कोई आस पास कोई मोची हो या कोई ऐसी शॉप हो जहाँ पर बैग रिपेयर होते हैं तो बता दो, मैं वहाँ पर जाकर करा लूँगा. तो मैंने ऐसे ही बोल दिया HR वाले. उसने कहा क्या हो गया? मैंने कहा मेरा ना बैग ख़राब हो गया. पहली बार गया मैं, पहली बार गया. उन्होंने कहा चले कराओ बैग. मैं लेकर आया, बैग लेकर आया. उन्होंने मेरा बैग ले लिया, कह रहे इसे हम रिपेयर करा लेंगे तुम ये रखो. मेरे को नया बैग दे दिया, नया बैग और भी मजबूत और भी अच्छा. मैंने कहा चलो ठीक है. मैं बड़ा खुश हुआ, क्या बात है. तो ऐसे ही कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो वहाँ पर जो HR वाले थे वो बड़ा ध्यान रखते थे. फॉर एग्ज़ाम्पल हर एक की जो डेस्क होती थी, हर एक की डेस्क पर एक कांच की बॉटल रखी रहती थी. अब क्या हुआ कि कुछ पेस्ट कंट्रोल हो रहा था तो साफ़ सफाई हो रही थी. कुछ एक पोर्शन गंदा पड़ा हुआ था काफ़ी टाइम से, तो उसकी सफाई हो रही थी कि वहाँ पर अलग ऑफिसेज बनेंगे. तो वहाँ से पता नहीं कहाँ से एक चूहा, दो तीन बिल्लियाँ वो दौड़ती हुई आ गई. तो पता नहीं क्या हुआ, मेरी टेबल के ऊपर से गुजर गई और वो बॉटल रखी हुई थी, बॉटल पर टक्कर लगी और बॉटल टूट गई. ठीक है, तो किसी ने नहीं देखा, मैंने ही देखा क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी पहुँच जाता था ऑफिस, ट्रैफिक रहता था तो मैं थोड़ा जल्दी पहुँच जाता था. मैं वहाँ पहुँचा, बॉटल टूट गई. मुझे लगा मेरे को डांटेंगे या तुमने गंदगी फैला दी यहाँ पर, बॉटल टूट गई. मैंने उनको बताया, मैं बता दिया, मैंने कहा कि मैं अभी बस आया ही आया था, उधर से बिल्ली आई, उधर से चूहे के पीछे भाग रही थी, ऐसे ऐसे. अरे ठीक है, रिलैक्स, स्टोरी मैं सुनाऊँ, ठीक है ना. आया उसने, वो स्वीपर को बुलाया, वो साफ़ करवाया, मेरे को नई बॉटल इशू कर दी, वो उससे भी अच्छी बॉटल. तो कुल मिलाकर ये था कि आप अपने सिर्फ काम पर फोकस करो, आप अपने काम पर फोकस करो. ये फालतू की लफड़ेबाजी थी नहीं कि किसी उल्टी सीधी चीज़ों में दिमाग लगाना पड़ रहा है. फिर उसके बाद हमारी किस्मत बदली, फिर हम पहुँचे RD इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाने. तो जब यहाँ पर पहुँचा तो मैं उसी मोड में था, मैंने कहा कि शायद ध्यान रखा जाता होगा. यहाँ बिल्कुल ही उल्टा हिसाब, बिल्कुल ऐसा, मतलब इस तरीके का उल्टा हिसाब कि मैं लैब में पहुँच गया बच्चों को प्रैक्टिकल कराने के लिए. तो उनको वोल्टेज और करंट को मेजरमेंट उसका सिखाना था. मैंने कहा भाई वो वहाँ एक लैब असिस्टेंट बैठा हुआ था, वो लैब असिस्टेंट जो है वो कैसे बैठा हुआ है, जैसे वहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ होते थे वो प्रॉपरली पैंट शर्ट पहन कर, शूज़ उनके पूरे पॉलिश एकदम चकाचक साफ सुथरे होकर आते थे. यहाँ लैब असिस्टेंट बैठा हुआ चप्पल में, है ना, पैंट पहनी हुई, शर्ट निकल रही है उसके बाहर और बदबू आ रही है उसके पास से, किसकी वो गुटखा खाने की, और बैठा हुआ वो ऐसे ऐसे वो गुटखा बना रहा है ना, और ऐसे ऐसे करके और बस ये दुकान जैसे वो अपने लगा हुआ है वहाँ पर. मैंने कहा भाई मल्टीमीटर देते, मल्टीमीटर अब उस मेरे उसकी जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है उसको देखकर मेरे मुंह से निकल रहा है. मैंने कहा ना मल्टीमीटर लाकर दे दे, नहीं तो मैं बोलता दे दो, है ना, आप मुझे मल्टीमीटर लाकर दे दीजिए. लैब असिस्टेंट हूँ मैं आकर, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने सोचा चपड़ासी है. मैं उसके कपड़ों को देखकर, उसकी अपीयरेंस को देखकर मैंने सोचा चपड़ासी है. मैंने
अच्छा लैब असिस्टेंट प्रॉपर डिप्लोमा करके आते हैं ऐसे लोग। तो मैंने कहा मल्टीमीटर दे दीजिए। फिर कह रहे हैं कि ख़राब हो रहा है। मैंने कहा दूसरा अभी ख़राब हो रहा है। मैंने कहा रिटर्न में कंप्लेंट दो। हंसा पहले मेरे को देख के, फिर कह रहे कहाँ से आया भाई। तो मैंने कहा यार उससे क्या मतलब है, बच्चों को प्रैक्टिकल कराना। बच्चे ओ ओ ओ ओ शोर मचा रहे हैं वहाँ पर, है ना, उन्होंने हद कर रखी है। अब वो शोर पहुँच गया नीचे वाले फ्लोर तक, टीचर दूसरे टीचर पढ़ा रहे थे, उन्होंने डीन को कंप्लेंट कर दी। डीन क्योंकि 3 घंटे की लैब होती है, अब 3 घंटे तक अगर हो वो डेस्क बजा रहे हैं, कोई कुछ कोई कुछ ड्रामेबाजी चल रही है, वैसे ही होगा। तो वो डीन से अपना डायरेक्टर तक पहुँचा, है ना, डायरेक्टर से चेयरमैन तक। चेयरमैन राउंड पर ही आ गया, राउंड पर आ गया, कौन है पढ़ाना शुरू एकदम से बुरी तरीके से। बच्चे सारे एकदम चुप, मैं वहाँ ऐसे खड़ा हो गया जैसे मैंने कोई क्राइम कर दिया हो, क्रिमिनल, ठीक है, एकदम से। क्लास कंट्रोल में नहीं हो रही है, बच्चे ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। मैंने कहा जी करूँगे तो मल्टीमीटर काम नहीं कर रहा, तो करो उसको ठीक। मैंने कहा जी हाँ तो टूल्स भी नहीं है मेरे पास। तो कहने लगे तो टूल्स लेकर आओ। चेयरमैन ओनर, मैंने कहा टूल्स लेकर आओ। मैंने कहा जी मैं इलेक्ट्रीशियन थोड़ी हूँ टीचर, अब मैं इसको रिपेयर करूँ पहले फिर सिखाऊँ, है ना। तो जो दूसरा टीचर साइड में खड़ा होगा उसने ऐसे इशारा इशारा करके बहस मत करो बहस मत करो ऐसे करो, बहस नहीं करते, चुपचाप सुन दिया, सुनकर आ गए, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे रिपेयर कराओ उसको आपने। हाँ कौन करता भाई, भाई तार वार ही तो हिलते हैं इनके, कोई तार मेल्ट हो गया नया तार लगा दिया। हाँ तो मतलब इतने ऑल टुगेदर डिफरेंट सिस्टम्स देखे। फिर मैंने वहाँ पर इस सिस्टम में, ऐसे सिस्टम में 7 साल पूरे के पूरे एक रेगुलर फैकल्टी के तौर पर बिताए, सुबह 9 से शाम के 5 तक वो टाइम बिताया। और उसी दौरान बीच में मैं यहाँ पर आ गया, इस सोसाइटी में रहने आ गया। और जो यहाँ पर भी जो चीज़ें हैं वो जो यहाँ का जो ओनर है उसको और जो हमारा वहाँ का ओनर था चेयरमैन जो था कॉलेज का, मुझे दोनों भाई भाई लगते हैं, सगे भाई। उनकी आदतें सेम लगती हैं, मतलब जैसे चोरी हो गई, कोई घटना हो गई है ना, तो उसके बाद एकदम से एक्टिव हो जाएंगे, ये कर दो बस। लेकिन करना क्या है, करना जुगाड़ है, तार जोड़ दे बस इसका, मल्टीमीटर चला दे, हो गया बस, जुगाड़बाजी करनी है। अब उस जुगाड़बाजी कब तक चलेगी भाई, मैं कौन सा हैवल्स का केबल लाकर उसको प्रॉपर सोल्डरिंग कर रहा हूँ, मेरे पास तो सोल्डरिंग मशीन भी नहीं है, या मैं घर से चीज़ें ला ला कर डोनेट करता रहूँ तुम्हें, है ना। तो मतलब काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हुई कि मैं परेशान हो गया। मैंने भी उन्हें उनकी हालत पर ही छोड़ दिया। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा भाई मेरी कंप्लेंट कर दो, मैं लैब में कुछ नहीं करा रहा। क्योंकि जब मेरा पढ़ाने का नंबर आता था तो मैं पढ़ाता बहुत अच्छा था, तो बच्चे शोर नहीं करते थे बिल्कुल, उनको ये लगता था कि चलो एटलीस्ट इसको पढ़ाने का जो काम मिला हुआ है वो ये ईमानदारी से कर रहा है। लेकिन आप एक इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएंगे तो इंजीनियरिंग कॉलेज में बच्चे को प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस तो होना चाहिए ना चीज़ों का। उसे यही नहीं पता है कि 2 ट्यूबलाइट उन्हें सीरीज में कैसे जोड़ते हैं, ठीक, वो मालूम ही नहीं है, है ना। और बनने चले इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, फिर आप उम्मीद करोगे कि आपके कॉलेज से ज़बरदस्त बच्चे निकले। अरे भाई बच्चों को सिखाओगे तो तुम ही, उस चीज़ की तुम फीस ले रहे हो। तो वही काम यहाँ पर होता है सिक्योरिटी में, या कोई तो ऐसा गार्ड हो जो थोड़ा भट्टा कट्टा तगड़ा दिखाई दे, या हट्टे कट्टे तगड़े लोग गाजियाबाद में है ही नहीं, ये बताओ। यहाँ के गार्ड ऐसे हैं, मतलब ऐसा लगता है कि जिंदगी में थके हुए हारे हुए परेशान लोग सबको गार्ड बनाकर रख दिया परेशान से। पूरा का पूरा जो फ्लोर है, मतलब जो सड़क है, जो सोसाइटी के अंदर की जो सड़क है, वो वॉक करने के लिए जो वॉकिंग एरिया बना हुआ है, उसमें तुमने पीले पीले वो पेंट करके उसके ऊपर वो लिख दिया, नंबर लिख दिया उसका, फ्लैटों का नंबर लिख दिया। तो जो वॉकिंग एरिया था, जो ग्रीन एरिया था, वो जो पीछे जो झाड़ियों की तरफ तो छुप गया ना, वो ग्रीन एरिया तो दिख ही नहीं रहा, क्योंकि उसके आगे अलग 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 कंपनी की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। ऐसा लगता है जैसे गाड़ियों का शोरूम है, लाइन से वहाँ तक गाड़ी गाड़ी खड़ी हुई। तो वो ये खेल है। और जो वो गाड़ी वाला एरिया, अब लोग वहाँ तो खड़े नहीं होंगे, वो लोग सड़क पर खड़े हो जाते हैं, खड़े ही हो जाते हैं। आप शाम से देख लिया करो, लोग सड़क पर खड़े हो जाते, बीच में खड़े हो जाते हैं, है ना। अरे खड़े हो जाते हैं, रुक कर बात करो, सड़क के बीचों बीच खड़ा होकर कौन बात करेगा, पागल हो तुम यार, सेंसलेस लोग, ठीक है। तो उस चीज़ को सुधारने का ठेका भाई तुमने पहली जो है सोसाइटी इस एरिया की, वैसे तो रिवर हाइट सबसे पहली सोसाइटी थी, लेकिन इस एरिया की, और शायद गुलमोहर उससे भी पुरानी है, आशियान है ना। तो मतलब तुमने एक पहली एक अच्छी सोसाइटी बनाई है जिसमें तुमने स्टैंडर्ड बहुत हाई स्टैंडर्ड बनाए हैं यहाँ पर, एक एक चीज़ बहुत अच्छी अच्छी। आप जिम देख लो, आप क्लब देख लो, मतलब जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है A1 है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में कोई शिकायत नहीं है। आप ये देखो, मैंने वाइट वॉशिंग 8 साल में करवाया है, और जो बिल्डर ने करवा कर दिया था वही वाइट वॉश 8 साल चल गया,
ठीक है, और घर में तीन छोटे छोटे बच्चे भी थे जिन्होंने दीवारों पर खून उल्टी सीधी करामाते करी है ना, ये कर दिया इसने, क्या करें। तो जो वो है मतलब इन सब चीजों पर आप खर्चा कर रहे हो, गार्ड पर कुछ खर्चा ही नहीं, मतलब थोड़ी सिक्योरिटी वगैरह कर लो ठीक। तो मुझे ये लगता है हमारे यहाँ पर भी सोए रहते हैं, तो वो बेचारा सोएगा, वो बेचारा सोएगा। आप ये देखो कि किसी गार्ड को आप यार पूरा दिन आप पेल कर रख रखा है, उसको काम करा रहा हूँ 5,000-6,000 रुपए तो देखो तो छुपेगा ये बाउंसर आते हैं वो खड़े होके देखते हैं लड़ाई हो रही है, पहले देखेंगे जब खत्म हो जाएगी तब पुलिस वगैरह आती है उनको बस बताते हैं ये नहीं तो ठीक है वो गलत नहीं है, वो गलत नहीं है, उसकी फैमिली है, उसको चोट लग जाएगी, उसको चोट लग जाएगी तो जो ओनर है वो उसको चोट को मतलब फर्स्ट एड कराने तक का पैसा नहीं देगा। मतलब ऐसा इतना बेकार चीज लगती है कि मैं समझ में नहीं आता मेरे को क्या है। आप यहाँ हर बार होती दिवाली वाले दिन वहाँ पर लड़ाई हुई थी, मैं था नहीं शायद यहाँ पर, आई ब्लॉक के सामने, फिर उसका वीडियो वायरल हुआ था सर। इसके घर से आई ब्लॉक सीधा सामने दिखाई देता है, इस साइड वाला होगा ना वो भी दिखाई देता होगा पूरा जो सोसाइटी है, ग्राउंड जो सर ग्राउंड तो पूरा दिखता है। कोई बता रहा था कि आप ये देख लो गर्मी लगती है बहुत बुरी तरीके से गार्ड को, सर्दियों में सर्दी लगती है, तो यहाँ जो 502 में भैया रहते हैं ना तो वो थोड़े काइंड हार्टेड है, तो आप ये देखो कि जब उनको गर्मी लगती थी उन्होंने फैन खरीद के खुद उनको दिया, क्योंकि तो फैन लगाओ यहाँ पर, वो कह रहे थे लगाऊंगा स्विच बोर्ड ही नहीं है, फिर उन्होंने इनको मेंटेनेंस वालों को फ़ोन करा, उन्होंने कहा कि ये तो इस एरिया में तो लगा नहीं सकते, कह रहे भाई मैं पेमेंट करूँगा मैं पैसे दूंगा तुम लगाओ, ये गार्ड बैठा पसीने में। तो गार्ड को थोड़ा बहुत जो है वो सब जो हैं जितने भी फैंस हैं वो सब उन्होंने लगवाए हैं 502 वालों ने, जो एफ ब्लॉक में सारी सोसाइटी में बांटे थे फिर उन्होंने, क्योंकि बाकी जो गार्ड थे बाकी सारे गार्ड जो हैं उन सबको ये लगने लगा, मतलब वैसे भी मतलब इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, BMW खड़ी हुई है बहुत लंबी नीचे जो है ना कवर्ड वो ही नहीं की है, तो मतलब लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपके पास आप रिच बहुत हो पैसा बहुत है लेकिन आपके खर्चने का दिल नहीं है ठीक है, लेकिन इनका दिल भी अच्छा है। ये देखो जो इधर ये बच्चों का झूलने वाला एरिया है और जहाँ पर वो गोलगप्पे वाला खड़ा होता है उसके बराबर में एक वाटर कूलर है, वाटर कूलर भी इन्होंने लगवाया, वाटर कूलर भी नहीं था। तो बहुत सारे और फिर इनकी देखा देखी और लोगों ने भी बहुत आगे बढ़ बढ़ कर कई चीज़ों में यहाँ डोनेट करा है, लेकिन फर्क ही नहीं पड़ता उनका तो कुछ ज्यादा चल रही है ध्यान देते हैं नहीं गाड़ी नहीं है देखो और बुरा हाल है बहुत बुरा है और कई बार लोग सच जाने बिना और चढ़ जाते हैं गार्ड के ऊपर डांटना शुरू धमकाना शुरू बुरी तरीके से, मतलब नीचे एक बुजुर्ग गार्ड बैठता है वो बेचारा सो जाता है, वो सोता ही रहता है ठीक है वो सोता ही रहता है, और मुझे कई बार ये लगता है कि मैं सुबह उठूंगा बेसमेंट में मेरी पार्किंग है कि नीचे ईंटें लगी हुई होंगी गाड़ी के नीचे और कोई टायर खोल कर ले जाएगा, क्योंकि वैसे तो गाड़ी लॉक रहती है, मुझे लगता है मैंने कहा क्योंकि ये सोता रहता है, तो कई बार मेरे को लगा मैंने कहा डांट दो, फिर मेरे को मन में आया मैंने कहा डांटने से पहले ये तो सोच के बेचारा सो क्यों रहा है, उसकी नींद पूरी नहीं हो रही होगी बेचारे की, नींद इस वजह से पूरी नहीं हो रही होगी कि रात में मच्छर काटते होंगे, मच्छर मतलब उसकी भी आप अगर तह में जाओगे ना बेस में अगर जाओगे तो पता चलेगा उसको बेचारे को पैसा ही नहीं मिल रहा होगा, वो अपना घर कहाँ से मेंटेन करेगा, खर्चे कहाँ से उठे, 5,000-6,000 रुपये में कुछ होता है। और पता है क्या जो सिक्योरिटी एजेंसी है, सिक्योरिटी एजेंसी तुम ऐसी उठा लोगे थर्ड क्लास जिसमें कोई गाँव में कोई ऐसी जा रहा है खाली घूम रहा है तो उससे कहते हैं आप ही गार्ड की नौकरी करेगा, हाँ ठीक है तो आ जाओ मेरे साथ चल यूनिफॉर्म पहन खड़ा हो जाए बस, इस तरीके की वो करते हैं। चलिए खैर हम अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम पर फोकस करते हैं, पूरी दुनिया में टेंशन सर पर लेकर चलो, द बोट गोज 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 28 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 6 आवर्स, तो केस फास्ट लेकर। अच्छा जब भी कभी अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, लेट द स्पीड ऑफ बोट
मैक्सिमम ऑर्डर बी एक्स किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी वाई किलोमीटर पर आवर ये y किलोमीटर पर आवर हो गया तो अपस्ट्रीम स्पीड जो है वो क्या होती है बताओ x अपस्ट्रीम x माइनस 1 होती है ना अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड सबट्रैक्ट हो जाएगी है ना अपोजिट डायरेक्शन x माइनस y किलोमीटर पर आवर डाउनस्ट्रीम स्पीड x plus y किलोमीटर पर फिर अब बोट गोज 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम तो केस वन उसमें देखिए कि बोट जो है वो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है एंड 28 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है टोटल कितना टाइम लगता है 6 आवर्स लगता है तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है ये जानते हैं तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम ठीक है तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये टाइम का फॉर्मूला हो गया तो जब मैं टाइम निकाला था तो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम है तो डिस्टेंस तो हो गया 24 किलोमीटर अपॉन स्पीड कितनी हो गई x माइनस वाई तो 24 अपॉन x माइनस वाई ये अपस्ट्रीम वाला टाइम हो गया बताओ सर मेरी कैलकुलेशन हो गया 24u + 28 = 6 ठीक है तो अब आगे देखिएगा इतने में डाउनस्ट्रीम वाला केस होगा वो 28 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाता है तो डिस्टेंस कितना हो गया 28 किलोमीटर और स्पीड कितनी हो गई x plus y तो 28 अपॉन x plus y is equal to 6 हाँ जी अब क्या करेंगे यहाँ इसको लिखेंगे 24 into 1 upon x minus y plus 28 into 1 upon x plus y is equal to 6 1 upon x minus y क्या हो गया u हो गया 24u 1 upon x plus y को v मान लो plus 28d is equal to 6 फिर क्या करिए इधर से 2 ले लीजिए कॉमन तो 2 कॉमन लोगे तो ये बन जाएगा 12u plus 14d is equal to 6 2 बन जा 2 2 3 जा 6 देखो यहाँ पर हमने जैसे 4 भी कॉमन ले सकते थे पर मैंने 4 जानबूझ कर नहीं लिया क्योंकि 4 से 6 पूरी तरीके से कटता नहीं तो इस वजह से मैंने सिर्फ 2 ही कॉमन लिया ताकि वो 6 पूरी तरह से कट जाए 2 3 से 6 ये मेरे पास इक्वेशन बन गई 12u plus 14v is equal to 3 इक्वेशन नंबर 1 ये हो कोई दक्ष ऑनलाइन हो तुम कह रहा है यार वॉइस इज कमिंग वेरी लो मुझे ध्यान ही नहीं रहा मैंने माइक ही नहीं लगाया सभी को बोलना चाहिए था और उसका माइक काम नहीं कर रहा है ना उसने टाइप कर दिया मैंने देखा नहीं वो मैसेज टाइप पी आ रही है आवाज ओके अरे माइक काम कर रहा है बोल देते ठीक है आगे चलिए अगला केस क्या दिया है उन्होंने हाँ जी अगले केस में वो बोल रहे हैं कि इट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 21 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम तो टाइम कितना हो जाएगा 30 अपॉन x माइनस y प्लस कितना है 21 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम तो 21 अपॉन x प्लस y इज इक्वल टू 6.5 तो 6.5 को कैसे लिखेंगे 6 * 1 + 30 / 2
से थ्री पहले लिखना सर ये नहीं होगा ना थ्री टेन सर प्लीज सर थ्री को नीचे ले जाओ टेन यू प्लस सेवन बी इज इक्वल टू थर्टीन अपॉन सिक्स ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर टू फिर जाने जब यहाँ फ्रैक्शन है सर सेकंड इक्वेशन को इंटरपोल क्या सर आपने थ्री उधर दिए थ्री लेंगे ना नीचे टू थ्री जा सिक्स सर नीचे सेकंड इक्वेशन में ट्वेंटी टू कर देंगे इंटर टू कर दूँ हाँ फोर्टीन कर दूँ ये भी इक्वेशन नंबर टू ही है इसमें आपने टू से मल्टीप्लाई कर दिया अब क्या करिए इक्वेशन वन में से टू को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए Thank you.
minus y is equal to 6, x plus y is equal to 40 minus y plus y okay, x plus x is 2x, 6 plus 40 is 20. x की वैल्यू क्या है यानी कि स्पीड ऑफ द बोट इज स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर फिर उसके बाद y निकालना है y क्या होगा x plus y is equal to 14 है सही है जी समझ में आ गया अच्छा अब इसी तरीके से अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम की क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का भी देख लीजिए पूरा ही नहीं ऐसा होता तो पूरे पर शुरुआत में रोक देते मेरे को अलग रखने को बनता है क्या साथ साथ कोशिश करा करो समझ लेंगे जहाँ अटको वहीं रोक दिया करो मतलब ये इंतजार नहीं करना कि पूरा हो जाए फिर उसके बाद मैं कहूँगी कि मुझे शुरू से बता दो सारी चीज़ तो जहाँ अटके वहीं रोक दो ठीक है ना सर मैथमेटिक्स नहीं यूनाइट में क्या है कि पिछले साल के पेपर से इंक्लूड करके दे रहा हूँ है ना तो बनता है उसी में सब्मिट बताओ क्वाड्रेटिक का करवाओ फिर के पॉलीनोमियल वाला अल्फा बीटा वाला अल्फा बीटा वाला ना एक क्वेश्चन नोट कीजिएगा मैं तो पढ़ाई
वन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर ये एफ एक्स है होता क्या है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस फाइव अपॉन वन यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है फाइव अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए मतलब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी कितना है फोर और ए कितना है वन बॉर्डर अल्फा बीटा की वैल्यू होगी फोर यहाँ तक आइए सामने पक्का अच्छा इसके बाद अब वो कह रहे हैं कि आपने इसकी वैल्यू निकाली है ये पूरा वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा माइनस टू अल्फा बीटा वो कह रहे हैं कि ऐसे ही वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा माइनस टू अल्फा बीटा इसकी वैल्यू निकालनी है तो हम करेंगे वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा माइनस टू अल्फा हाँ अगर अल्फा बीटा पहले निकाल कर सीधा सीधा रखो तो भी रिजल्ट सही है तो भी सही है अब यहाँ इन दोनों का एलसीएम ले लो जब एलसीएम लेंगे दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे अल्फा बीटा ये बीटा इधर मल्टीप्लाई वन में और ये अल्फा इधर वन में मल्टीप्लाई माइनस टू अल्फा बीटा अब ये वैल्यूज हमारे पास हैं बीटा प्लस अल्फा ये समझ में आ गया ये जो एलसीएम लेंगे देखो बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू क्या है फाइव अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है फोर फाइव अपॉन फोर माइनस मल्टीप्लाइड बाई अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है फोर तो ये क्या हो जाएगा फाइव अपॉन फोर माइनस एट फाइव माइनस फोर एट सौ थर्टी टू फाइव माइनस थर्टी टू अपॉन फोर कितना हो जाएगा माइनस का ट्वेंटी सेवन ठीक है इस तरीके से होता है ठीक है एक और करना है सही इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल अकॉर्डिंगली बना लेते हैं
तो y स्क्वायर का कोफिशिएंट इधर a, इधर y स्क्वायर का कोफिशिएंट 5, तो a की वैल्यू क्या आ गई 5, y का कोफिशिएंट b, इधर y का कोफिशिएंट -7, तो b की वैल्यू -7, कांस्टेंट टर्म c, इधर कांस्टेंट टर्म +1, c इज इक्वल टू +1, ये हो गया। फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ -7/5 1/5 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7/5 क्या पूछ रहे हैं इसकी वैल्यू निकाल दी है और अल्फा बीटा कितने 1/5 तो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर भी 5 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर भी 5 तो 7/1 यानी कि रिजल्ट है 7 समझ गए बोलो भाई अरे दक्ष कहां चला गया और बता दो भाई और कोई डाउट और क्वाड्रेटिक कप्स सही है बता दो सर उसमें एरिया वाला भी तो है एक बोर्ड बता देना चलो कल करा देंगे एरिया वाला तो है क्वेश्चन नंबर 5 सर मैं आपको ना क्वेश्चन भेज दूंगी आप कल करा हां क्या इसकी ब्राइटनेस भी तो बढ़ जाती है कुछ दिखा अंधेरा कर रखा बिल्कुल भयानक इसका
x is equal to ax square plus bx plus c. A is equal to 2, b is equal to 5, c is equal to k. Alpha plus beta is equal to minus b upon a. ये तो सब में कर रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी कितना 5 अपॉन 2 सी अपॉन यानी कि के अपॉन 2 ये हो गया। ये बात क्या छोड़ो की बात वगैरह आप सीधा ये लिखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस फाइव अपॉन टू का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी कौन सी हाँ आइडेंटिटी कर रहे हैं वो ही कर रहे हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इसको लिखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा माइनस फाइव बाई टू का होल स्क्वायर माइनस फाइव का स्क्वायर इज 25 टू का स्क्वायर इज 4 जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा इसको कैसे लिखेंगे अल्फा स्क्वायर माइनस का जो स्क्वायर करते हो तो पॉजिटिव हो जाएगा तो माइनस फाइव का स्क्वायर प्लस 25 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस फाइव बाई टू है ना दोनों का स्क्वायर कर दिया दोनों का तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फाइव बाई टू का होल स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमारी आइडेंटिटी इज इक्वल टू 25 बाई 4 यहाँ तक ठीक है। अगले स्टेप में लिखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस ये जो टू अल्फा बीटा है इसको ऐसे लिखेंगे अल्फा बीटा इज इक्वल टू 25 बाई 4 ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं क्योंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इसकी वैल्यू 21 बाई 4 है ठीक है इस पूरे की जगह 21 बाई 4 लिख देंगे प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास है k बाई 2 यहाँ लिख देंगे k बाई 2 अब 21 बाई 4 को उधर ले जाओ 25 बाई 4 है बेटा 25 बाई 4 माइनस 21 बाई 4 कितना हो जाएगा 4 बाई 4 4 बनता 4 बनता बन रहा है क्या तो k इज इक्वल टू 2 को उधर ले जाओ k की वैल्यू 2 है सही है। चलो जी करो फिर कल का एग्जाम बन से ठीक है बाकी कल मिलते हैं। ready for it.